हेलो नमस्ते, आप सभी को आलो न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ आए हैं सर ताई गोय सर के यहाँ पे, जो चेयरमैन है APBB के। तो आज सुनते हैं उनसे उनकी ही बातें। तो सर, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। आज का आपका मीटिंग को लेके आपका अभी एंड रिजल्ट क्या है कि आप अपकमिंग इलेक्शन में आप उठेंगे या नहीं उठेंगे, या फिर उठेंगे तो भी आप किस पार्टी की तरफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके विषय में कुछ। धन्यवाद। आलो न्यूज़ टुडे वेलकम टू माय इलेक्शन ऑफिस। आज हमारा यहाँ 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेरा वेल विशर एंड सपोर्टर्स यहाँ आज मीटिंग रखा गया था, और लार्ज नंबर में यहाँ गैदरिंग भी हुआ है, जो हम लोग बाय टेलीफोनिकली जिसको इंटीमेशन दे सका है वो सब यहाँ आज मौजूद था। और इस बार मैं ज़रूर इलेक्शन ताटी तुरुंगोंग से लड़ने के लिए मैं एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एक उम्मीदवार था पार्टी टिकट के लिए। टिकट भी जोरदार से अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी टिकट नहीं मिला। लेकिन भी मैं एज ए जो पार्टी का एक हार्डकोर जो सीनियर कार्यकर्ता, जिस पार्टी में जिस फ्लैग को मैं लास्ट 30 इयर्स लगभग 30 साल होने को जा रहा है, मैं जिस पार्टी फ्लैग को मैं जो प्रणाम किया है, जिसको हम रेस्पेक्ट दिया है, उस पार्टी का डिसीशन को मैं वेलकम करता हूँ। और हम लोग आज मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग जो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा सपोर्टर वेल विशर का भी यही सजेशन था सबका, इस बार हम लोग इलेक्शन पार्टी का खिलाफ कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, ये हम लोग आज का डिसीजन। जी, तो सर आप अभी कंटिन्यू ये इलेक्शन में आपको टिकट नहीं मिला है, तो आप अगला इलेक्शन में भी आप अगला जो 2029 को होगा, तो उसमें आप कंटिन्यू करेंगे या फिर आप? वो तो ठीक है, 29 का बात उसमें देखेंगे, लेकिन अभी इस बार तो हम लोग हमारा लोकसभा मेंबर श्री किरण रिजिजू सर के लिए हमारा पार्टी कार्यकर्ता जो है यहाँ आज से मन बना लिया और डिसीजन ले लिया, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। 29 का बात 29 अभी बहुत दूर है, इस बार हम लोग मन बना लिया है, हम लोग किरण रिजिजू सर के लिए काम करेंगे, उनको फिर से MP बनाएंगे। और यहाँ का 32 रुंगोंग उस रिलेटेड जो कैंडिडेट सर किसको सपोर्ट करना नहीं करना, ये हम लोग स्क्रूनिटी करने का बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे, और किसको करना नहीं करना हम लोग उसको होल करके रखा है। धन्यवाद जी। तो सर, आपके लिए एक लास्ट सवाल, आप अपने जो सपोर्टर है उसको आप कुछ कहना चाहेंगे रिगार्डिंग जो आपको सपोर्ट करते थे, तो कहने? थैंक यू। मेरा जितना भी सपोर्टर वेल विशर, मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमको दिल से सपोर्ट किया है। यह इलेक्शन जो लास्ट 8-9 मंथ्स में हमारा साथ दिया है, स्पेशली यूथ्स ईटानगर में, पासीघाट में हो, यहाँ कायिंग में हो, रुंगोंग में हो, जितना भी यूथ्स है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी हो, मैं इनुक का वेलफेयर भलाई के लिए मैं काम करते रहेंगे, पार्टी का एक्टिविटीज़ में भी हम काम करेंगे, तो काम करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। और जो भी हो, हम इनुक का तस में, आपका तस में, हम हमारा जितना सपोर्टर है उनका तस में हम हमेशा रहेगा, उनका दिल में, मेरा दिल में भी इनका जगह बना लिया है। मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका इस पॉजिटिव बात के लिए थैंक यू सर। थैंक यू आलो न्यूज़। आप लोग मिशन तय गए 2024 ने आज ये निर्णय लिया कि जो BJP का उम्मीदवार था टिकट के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली उसको टिकट नहीं मिला है, इसके लिए वो तय गए जी ने ये स्टेट BJP का एक लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी का वर्कर है, इसके लिए हम लोग का उसका मेन सपोर्टर और टीम तय हुए 2024 मिशन ने ये निर्णय लिया कि ये साल उसको हम लोग कैंडिडेट सर से
विद्रॉ करने देंगे और पार्टी का स्टेट का पार्टी का साथ में उसको काम करने देंगे। तो हम लोग का कोई ऐसा जितना होता रहे निर्णय लिया है आज का दिन। आपका कुछ और सवाल रहेगा रिगार्डिंग इलेक्शन को लेके कि किसी और कैंडिडेट को लेके? ये इलेक्शन में ये हम लोग निर्णय ले कि आज हम लोग ये आप लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑडियंस से भी 32% हम लोग वेस्ट पार्लियामेंट में आता है। तो हम लोग ये साल ये बार हम लोग निर्णय लिया है टैग टीम ने वॉलंटियरली अभी किरण रिजिजू हम लोग के यूनियन मिनिस्टर का इलेक्शन के लिए हम लोग फुल्ली 24/7 काम कर देंगे। आपको बहुत अच्छा लगा है, दुरुस्त तो लगता है मेरा लीडर को बीजेपी टिकट नहीं मिला, लेकिन हम लोग ऐसे सोचता था कि बीजेपी टिकट हमारा कोई साहब नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग का समझे कि जो बीजेपी हाई कमांड एक्सपीरियंस दिया था, लेकिन उनसे भी हम लोग नाराज नहीं है। वैसा बीजेपी टिकट नहीं मिला बोलते हम लोग अभी इतना भी नहीं है, जब बीजेपी टिकट दिखा रहा उस वक्त तरह नाराज था, लेकिन तो होते रहता है मौसम की तरह है इसमें। इसमें आज ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के कमर में जो डिसम दिया है उसे नहीं था शायद हम लोग का नसीब भी नहीं था इस बार का जो 2024 का इलेक्शन नसीब सर नहीं दिया था, लेकिन इतना उम्मीद थी कि उम्मीद करता हूँ कि हाई कमर बीजेपी लोग ने तो नसल होते थे जैसे भी हो कैसे भी हो इस बार वैसाम को हम लोग आशा पोष में रखिए। और हम लोग ऐसे नहीं लगता है कि बीजेपी टिकट हम लोग का लीडर को नहीं मिला है गोई सर को, इसलिए बीजेपी अगेंस्ट में हम लोग मूवमेंट ये करेगा बोल के बात नहीं है, लेकिन इस बार गोई सर जैसे डिसीजन देगा उसी को हम लोग एमएलए को भी वोट देगा। यस सर वेलकम टू आलो न्यूज़ टुडे। तो आज का आपका जो मीटिंग रहा है तो उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ आलो न्यूज़ को खबर आपके लिए। आज हम लोग ये रेजोल्यूशन लिया है कि बीजेपी टिकट मांगने वाला तो 167 ऐसे ज़्यादा है, लेकिन इस बार में ये इसमें हम लोग के लिए तय कोई भी एक दावेदार था, लेकिन असंदक से टिकट नहीं मिला है। इसको हम लोग नाराज नहीं करता है बीजेपी हाईकमान लोग को, लेकिन हम लोग ये बार ऐसे रेजोल्यूशन लिया है कि ये बार जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू इसको हम लोग ये बार 101% जिताएगा यहाँ से 32 से। और हम लोग ये बार किरण के लिए 27/7 काम करेगा किरण सर के लिए, इसलिए ये बार हम लोग किरण साहब का नेतृत्व में 32 में ताइक गोई का नेतृत्व में हम लोग काम करेगा बीजेपी को जिताने के लिए। हेलो सर, आपको आलो न्यूज़ टुडे में स्वागत है। तो आपका आज का मीटिंग का विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आलो न्यूज़ चैनल, आलो न्यूज़ का माध्यम से दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। आज का जो 19 तारीख मार्च में जो हमने ताइगोई टीम ने मीटिंग किया है, इसका विषय में दो तीन शब्द ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा विषय है ही नहीं है। हम कार्यकर्ताओं को ये लगा कि ताइगोई ने जो पार्टी टिकट मांगा वो भी सही था, हमको मांगने का हक था, मांग के देखा, और जो ऊपर वाले लोग ने टिकट नहीं दिया शायद उसका भी अपना मजबूरियाँ होगा, हो सकता है कुछ कारण होगा जो बताने लायक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वो तो हमें मालूम नहीं है। जो भी हो आज हम सब कार्यकर्ता मिल के ताइगोई जी को, वो खुद बीजेपी में रहे क्योंकि इतना लंबा सफर बीजेपी संगठन में वो कार्यकर्ता था, कार्यरत था, कार्यरत रहना चाहिए, इसलिए हम कार्यकर्ताओं ने ताइगोई को एमएलए कॉन्टेस्ट करने का आज मना कर दिया, तो वो भी मान गए। अभी देखना यह है कि ये भाजपा संगठन
या बसपा सरकार अरुणाचल में जो भी है क्या तय गई को लात मार के फेंकेंगे या अपनाएंगे वो बात भी अलग है, लेकिन मैं सोचता हूँ दिल्ली वाले लोग भी मेनली हमारा यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू इतना पुराना है बीजेपी में ताई गोई को टुकड़ाना नहीं चाहेगा। अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, जेपी नड्डा हो, कोई भी हो, और अरुणाचल का मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो, डिप्टी सीएम सोना मेनचार हो, या वागे जी हो, या बीजेपी कार्यकर्ता कोई भी हो, शायद ताई गई को खराब नहीं पाएगा, अच्छा ही पाएगा। टिकट मांगा, मांग के देखा नहीं दिया, हमें नाराज हुआ था, लेकिन हमने फैसला कर लिया ताई गोई जी को एमएलए कॉन्टेस्ट करने नहीं दूंगा, पार्टी में ही रहना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ता बनना चाहिए जैसे बनते आया। अब हमें देखना है कि हम कार्यकर्ता किसको सपोर्ट करूं, किसको नहीं करूं, ये आज हमारा हमने फैसला नहीं किया है, यह हम फैसला करेंगे। समय भी अभी है, 30 तारीख विद्रोह है, कितना कैंडिडेट 32 से सही में एमएलए के लिए लड़ते हैं वो 30 तारीख तक मालूम हो जाएगा, विद्रोह लास्ट में। उसके बाद समय है अभी काफ़ी हमारे लिए, हमको अभी हम लोग अभी टेंशन फ्री हो गया। हम सब कार्यकर्ता 100 हो या 200 हो या 300 जितना भी हो फैसला करेंगे, कोशिश करेंगे एकजुट हो, और कम कम 50 साथी हो, हम कोशिश करेंगे एक मुट्ठी में रहें। ये बात ये भी नहीं है कि किसको हराऊं किसको जिताऊं, ये भी बात नहीं है, क्योंकि हमारा अपना कैंडिडेट तो हमने मना कर दिया, तो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना चाहिए, वो हम बाद में तय करेंगे। धन्यवाद। यहाँ ऐसा है सीएम और ये हमारा स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट ऑनरेबल सीएम मिनिस्टर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सेकने से आप लोग को भी ऐसे फील है कि सेकने से आए गोई तू संगठन में इतना सेक्रीफाइस करके धरती ईयर ऐसा रहा है, इसको ना आप लोग अंडरमाइन नहीं करने से देखिए मोर देन आपका 11, 16, 1700 किसी को गिरा भी सकेगा, किसी को उठा भी सकेगा, वो हमेशा याद रखिए और फोकस कीजिए प्लीज काइंडली। ऐसे देने मत कीजिए, ऐसा मतलब डिप्रेम मत कीजिए, डिजर्विंग आदमी को आप क्या देना ही किया है, अब अभी हम लोग उही को रुक रहे हैं, तो सेकने से प्लीज पे अटेंशन टू आवर आई गोई कैंडिडेट सर। थैंक यू।